नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फंजीसाइड के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे आप अपने घर पर फंजीसाइड किस प्रकार बना सकते हो और अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर बात की जाए फंगस की, तो फंगस लगने का समय बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में होता है। इस मौसम के अंदर फंगस जो है हमारी फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि नमी के मौसम में फंगस लगने का ज़्यादा खतरा होता है, नमी के मौसम में फंगस ज़्यादा पनपता है। इसलिए आपको अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए फंगस से छुटकारा पाना अनिवार्य है। दोस्तों अगर बात की जाए तो प्रत्येक फसल में फंगस नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हमारी सब्जियों के अंदर टमाटर है, इस समय जो हमने घिया लगाई थी उसके अंदर, करेले के अंदर, या फिर जो हमारा खीरा है उसके अंदर, या हमारी जो कॉटन है और पैडी है, अगर पैडी यानी कि धान की अगर बात की जाए तो धान की फसल के अंदर जो जड़ के अंदर फंगस लगती है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि धान हमारी लगभग पानी के अंदर रहती है और जिसके कारण फंगस पनपने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फंगस को जो एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर चाहिए तैयार होने के लिए वो धान के अंदर होता है। इसलिए हमें समय रहते फंगस का निजात करना आवश्यक है, हमें फंगस से छुटकारा पाना आवश्यक है। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत से फंजीसाइड आए हुए हैं, एक से एक बढ़कर फंजीसाइड, लेकिन लगातार किसी भी फसल के ऊपर फंजीसाइड का प्रयोग करने से उसका जो असर है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको हमारी जो फसल है उसको उसकी आदत हो जाती है। तो इसलिए हमें 2-3 से ज़्यादा वर्षों तक किसी फंजीसाइड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात की जाए घर पर फंजीसाइड कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही एक सिंपल विधि है। हमारे बहुत से फार्मर इस विधि को अपनाते हैं और बहुत से फार्मर को इस विधि के बारे में पहले से ही पता है। अगर आपको इस विधि के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों अगर बात की जाए घर पर फंजीसाइड किस तरह बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको 15 से 20 लीटर लस्सी लेनी है और उसको या तो एक तांबे के पात्र में यानी कि तांबे के बर्तन में, या फिर एक मटके के अंदर, आपको तांबे के सिवा और कौन सी धातु का आपका जो भी मटका है या जो भी आपका पात्र है वो अगर पॉसिबल हो तो तांबे का लीजिए, अगर पॉसिबल ना हो तो मटके का लीजिए। अन्य धातु का जैसे आप लोहे का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, ऐसे पात्र आप नहीं ले सकते। आप मटका लीजिए अपना और उसके अंदर 20 लीटर लस्सी डाल दीजिए और उसके बाद उसको अपने खेत के अंदर किसी जो आपका पेड़ है उसके नीचे आप उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, लस्सी के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया बनेगी जिससे एक बहुत ही बेहतरीन फंजीसाइड तैयार होगा जिसे आप अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इसको और अच्छा फंजीसाइड बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारे बहुत से फार्मर है 20-20 लीटर का तांबे का पत्र अवेलेबल नहीं होता उनके पास, तो आप मटके के अंदर कोई भी तांबे धातु का कोई नट डाल सकते हो, तांबे की तार डाल सकते हो, या फिर कोई तांबे की लुटिया डाल सकते हो, या कोई पत्ती हो तांबे की, तो तांबे की कोई भी धातु आप लस्सी के साथ डाल दीजिए, तो जो आपका फंजीसाइड आपका तैयार होगा वो बहुत ही बेहतरीन फंजीसाइड तैयार होकर सामने आएगा। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की विधि। दोस्तों अगर जड़ के अंदर फंगस है, यानी कि मान लीजिए हमारी धान की जड़ के अंदर फंगस है, तो उसका पता लगाने के लिए आपको रेंडमली आपके खेत में से कहीं से भी आपको आपकी धान का पौधा उखाड़ना है और उसकी जड़ को देखना है। अगर उसकी जड़ बिल्कुल सफ़ेद है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर फंगस नहीं है। अगर उसकी जो जड़ है, जड़ का जो मोटा भाग है, वहाँ पर काले धब्बे या काला हो चुका है, वो सड़ चुका है, तो ये मान लीजिए उसके अंदर फंगस हो चुका है और हमें उससे छुटकारा पाना आवश्यक है। तो धान की फसल के लिए 20 लीटर अगर आप जो जड़ों में फंगस है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो 20 लीटर लस्सी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा एक एकड़ के लिए। जब भी आप अपने खेत में पानी दें, आप पानी के साथ साथ वो जो हमारी 15 से 20 दिन पुरानी लस्सी है जो हमने पेड़ के नीचे रखी थी, ज़मीन के अंदर रखी थी, उसको आप 15 से 20 दिन के पश्चात 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हो।
इसका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अगर आपको स्प्रे में प्रयोग करना है फंजीसाइड की जगह, अगर आप जो आपकी जो लस्सी तैयार हुई है उसको आप अगर स्प्रे में प्रयोग करना चाहते हैं तो 300 से 500 ml प्रति टंकी, यानी कि 18 से 20 लीटर की टंकी जो होती है हमारी स्प्रे की, उसके अंदर 300 से 500 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए धान के अंदर, आप जब हमारी धान की फसल 30 से 45 दिन की हो जाती है तो उस दौरान आप एक स्प्रे ज़रूर इसका करें। अगर आपका हमारी धान 20 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें नीचे अवश्य डालनी चाहिए। और हमारी जितनी भी फसलें हैं, टमाटर के अंदर मोस्टली फंगस का रोग आ जाता है जिससे हमारे जितने भी टमाटर हैं वो सड़ जाते हैं, उसके अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने घर में एक बहुत बेहतरीन फंजीसाइड तैयार कर सकते हो, और जिसका प्रयोग आप चाहे 1 साल 2 साल 10 साल करो लगातार, तो जो उसका रिजल्ट है वो अच्छे ही आएंगे। जो हमारे जितने मार्केट में फंजीसाइड अवेलेबल हैं उनके कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात उनके रिजल्ट कम आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो हम लस्सी से फंजीसाइड तैयार करेंगे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी फसल को फंगस से बचा सकते हैं और एक भरपूर और स्वस्थ जो हमारी फसल है वो ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।